अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। देखो एकदम ठंडा मौसम है, बज रहा है सुबह का 7। देखो कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और देखो मौसम कितना अच्छा है आज, क्योंकि धूप ऊप नहीं निकली है, बहुत अच्छा मौसम है। बकरी वकरी चल रही है बकरा वकरा है और कुत्ता वगैरह आ रहा है। कुत्ता को अरबी में कुत्तिन बोलते हैं, कुत्तिन कुत्तिन माने कुत्ता, और इंग्लिश में इसको डॉग बोलते हैं, उर्दू में कुत्ता बोलते हैं, भोजपुरिया में कुत्ता हुआ रे दो गलावा रे ऐसे बोलते हैं। देखो आप, चलो हम पहले ना इनके अंदर का दिखाते हैं आप लोग को। देख सकते हैं कि हमारा ईटा रखा हुआ है क्योंकि अब हमारा घर बनेगा। देखें देख सकते हैं गाइस, ये बाउंड्री है खूब चिकनी के। देखें आम का पेड़ लगा हुआ है, छोटे छोटे आमों पर कितना देखें सफेदा उफेदा है कितना। देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग कितना अच्छा बना हुआ है। एक घर बनाया जाए तो बहुत अच्छा घर होगा। देखिए आम उम सब फल रहा है, चारों तरफ से बाउंड्री घेरी है और इसी में पत्थरा डाल दे कसम बहुत अच्छा घर होगा, या कुछ बनवा दे, मैं अपना घर ऐसे ही बनवाऊंगी। चारों तरफ से बाउंड्री घिरवा दूंगी और उसी तरह बड़ा वाला फटक लगवा दूंगी गेट। देखो चिड़िया उड़ रही है, देखे बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा एकदम सुहाना सीख मिलता है एकदम। अल्लाह, ये है बाग, ये है बाग, बाग में आम फल रहा है। हम आप लोग को भी आम दिखा दें क्योंकि ठंडा मौसम है, मैं इसीलिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। देखें आप लोग प्यार करिए और सपोर्ट दीजिए मुझे। चले अब मैं जा रही हूँ इधर से लौट कर। देखो आम उम कैसे फरा हुआ है, ये फल है देखो उस पर भी फरा हुआ है। मुझे लग रहा है लीचियाँ टूट चुकी होगी। हाँ देखो चिड़िया कितना अच्छा लग रहा है, उड़ रही है सुबह सुबह। आप लोग प्यार दीजिए मुझे और सपोर्ट करिए। देखो कबूतर उड़ रही एकदम अच्छा, इतना अच्छा मौसम आज है मैं क्या बताऊँ। आज ना मैं फिर जाऊँगी बाज़ार तो आज अच्छा सा ब्लॉग बनाकर फिर डालूँगी, एक प्यारा सा ब्लॉग आप लोग के लिए। देखो मेरा ईटा के 10 टाली है, ये देख सकते हैं हम कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं। आप लोग बस सिर्फ आप लोग मुझे प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए हमारा। देखे कुत्ता कैसे खड़ा है दो गला। देखो बकरी वकरी चर रही है, पेड़ पौधे इधर तक मैं आ गई हूँ बाग में। मैं देखे मेरा चप्पल, देखो यही गेट। आप लोग को अच्छा लगा है तो बताना मुझे। और आम का फल मैं इधर आ गई हूँ बाग में और मैं आम का फल दिखाऊंगी आप लोग को। देखे बहुत बढ़िया, इस गांव में सिर्फ बागी बागी आप लोग को नज़र आ जाएगी।
देखिए हम आप लोग को देखो, देखिए आम का फल है लगा हुआ है, एकदम ठंडी जगह है, सुकून की जगह है। देखें देखें आमों, देखें मेरे सर पर कैसे चढ़ा हुआ है आम। ये लंगड़ा आम है, देखें आम जैसे इंसान मोटे रहते हैं तो अंदर का खोखला ख़राब हो सकता है, देखो वैसे आम का भी पेड़ का अंदर का ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये मोटा था इसीलिए। और देखो वो पतला है, वो बना ही रहेगा क्योंकि देखो आम भी एक मिल गया है मुझे, थैंक यू है। ख़राब है पर फेंक देती हूँ मैं क्योंकि मैं अच्छे आम पर झुकती हूँ। देख सकते हैं ये है एकदम मिठाऊआ आम, ये क्योंकि देखो पतला सा है, देखो कितना बड़ा बड़ा ये भी आम हो चुका है क्योंकि पतले लोग इंसान रहते हैं उसकी शरीर भी अच्छी रहती है। वैसे ये भी है, देखो ये पतला दुबला सा थोड़ा सा है, ये अच्छा बना हुआ है देख सकते हैं आप लोग। और देखो ये कितना मोटा हो चुका है, मोटा हो चुका है। अब इसके अंदर का मैं दिखाऊं, बेचारे का फेफड़ा दिल सब खराब हो चुका है देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं लोग कि मोटे ना हुआ करो, पतले रहो, शरीर का ध्यान दिया करो। मैं सिर्फ देखो पतली सी हूँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत टोकते हैं, बाहर वाले भी टोकते हैं, और इतनी मैं पतली भी नहीं हूँ। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी हूँ। और थोड़ा बहुत मैं दौड़ लेती हूँ, इतनी तेज़ मैं दौड़ती हूँ ना, मोटा आदमी रहे तो हाफ जाए। अब मगर मैं छत पर जब दौड़ती हूँ तो मेरे हाफ आने लगता है, मैं क्योंकि छत पर नहीं ज़्यादा चढ़ती हूँ। मेरे है देखो कितनी अच्छी फुर्तीली बाग नज़र आ रही है आप लोग को। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मुझे करते रहिए, मैं आप लोग को अच्छे अच्छे ब्लॉग बना कर डालूँगी। आप लोग मुझे आगे बढ़ा दीजिए, मैं भी वो लाइक की हो जाऊँ कि दूर दूर जाऊँगी वीडियो शूट करने के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग, देखो मेरा घर भी आ चुका है और मेरा घर का पेंट वेंट सब उचर चुका है क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। इसीलिए आप लोग प्यार भी करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए, ये क्योंकि थोड़ा पैसा भी हो जाए तो हम अपने घर का वो करवा सके, पेंट वगैरह। सामने मस्जिद भी बनती है, अल्लाह का घर है। देखिए चिड़िया उड़िया कैसे उड़ती है। मैं उस जगह से आई हूँ अभी चलकर, अभी सुबह में उठी हूँ, सबको खाना ना दे दी हूँ और पर अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ क्योंकि अभी मैं टहल रही हूँ। अभी सिर्फ मैं ब्रश कर कर शरबत पी हूँ नींबू का, पीने के बाद तब मैं कुछ करती हूँ। खाना वाना सब कुछ मैं बना चुकी हूँ, सबको दे चुकी हूँ, अपनी पूरी फैमिली लोग को खिला पिला कर, बस सिर्फ मुझे कहना है बर्तन भी धुलना है, हैं। चले फ्रेंड आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, थैंक यू।